बाटो मेमन जमात एक एनजीओ है जो अपनी बिरादरी के लिए काम करती है। सबके लिए मोहताज हैं, दुख दर्द में। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बाटवा जमात ने ऑर्गेनाइज किया और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी हमारी जो है बाटवा जमात ये चीजें ऑर्गेनाइज करती रही। मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बाटवा जमात का और शाज़े पराचा साहब का कि वो आए और हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई और हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बाटवा जमात का और शाज़े पराचा साहब का, ख़ास तौर से वो आए और हमें इस चीज़ के बारे में बताया और हमें गाइड किया और क्या क्या हम कर सकते हैं। The event was about an ANIT and it was very informative and it was so useful for the youth or especially जो कि intermediate pass students हैं जो कि अपने आप को थोड़ा stable करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये best opportunity है। तो एक basically ये एक साल का program है जिसमें आपको accounting, taxation और different technology related courses पढ़ाए जाएंगे जो आपको enable करेगा टू गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड एज वेल। आज ही बाटवा के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें सैलानी के स्टार्ट होने वाले एक कोर्स को जो आईटी और अकाउंटिंग से रिलेटेड है उसको प्रमोट किया जा रहा था, उसके लिए स्टूडेंट्स गैदर किए जा रहे थे और उसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच या इंस्पिरेशनल स्पीच आप कह सकते हैं कि देनी थी और एक टर्न आउट अच्छा भी रहा, लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। आज हमने एक अवेयरनेस सेशन किया था विद दी हेल्प ऑफ एंड विद दी कोलैबोरेशन ऑफ बाटवा जमात और ये अवेयरनेस सेशन था हमारी एक सैलानी की SBIL की न्यू सर्टिफिकेशन के बारे में जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह क्राउड का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ईगर थे लोग इस सर्टिफिकेशन के हवाले से और ये हमारा चौथा अवेयरनेस सेशन था इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। आज जो बाटवा जमात ने जो इनिशिएटिव लिया है इनकी कमेटी ने कि जो हमारी जो यूथ है उसके हवाले से जो करियर अपॉर्चुनिटी के हवाले से ए आई और अकाउंटिंग के हवाले से जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और अवेयरनेस सेशन मुनक्किद किया, मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इनकी पूरी टीम ने जो इनिशिएटिव लिया है मैं अल्लाह ताला से बहुत हूँ कि ये जो है इसी तरीके से काम जिस तरीके से काम कर रहे हैं यूथ के लिए आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे।